वहीं बीकानेर में कलियुग की बेटी की करतूत, माता पिता व बहन पर किया चाकू से हमला। आपको बता दें तीनों की हालत बनी हुई है गंभीर, उपचार के लिए लाया गया है ट्रॉमा सेंटर। आपको बता दें JNVC SHO सुरेंद्र पचार में टीम पहुंचे ट्रॉमा सेंटर, तीनों का PBM में उपचार है जारी। बेटा लक्षित पवार बताया जा रहा है मानसिक रूप से परेशान, घटना के बाद बेटा हुआ मौके से फरार, साथ ही JNVC थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। बड़ी अपडेट आपको इस वक्त की दे दें, उपचार के लिए लाया गया है ट्रॉमा सेंटर, माता पिता और बहन पर चाकू से हमला किया, तीनों की हालत देखिए गंभीर है और इलाज जो है वो लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि जो बेटा है जिसने चाकू से हमला किया वो मानसिक रूप से परेशान है और माता पिता और बहन पर ये चाकू से हमला यहाँ पर किया गया और घटना के बाद बेटा मौके से फरार हो गया है। अब लगातार कार्रवाई होगी, तफ्तीश की जाएगी, जानकारियां ली जाएगी कि आखिर क्या ये पूरा मामला है, इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। सुरेंद्र मंडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी, अभी जो ये लड़का है जिसने चाकू से हमला किया है इसको लेकर क्या कुछ जानकारी और पूरा मामला क्या है? तो उपचार के लिए देखिए ट्रॉमा सेंटर लाया गया, आपको बता दें तीनों की हालत जो है गंभीर है, साथ ही बेटा जो लक्षित नाम का बताया जा रहा है वो मानसिक रूप से बीमार है। कलयुगी बेटे की ये बड़ी करतूत, जहां पर ये पिता माँ और जो बहन है उसको लेकर यहां पर चाकू से हमला किया गया है। घटना के बाद बेटा हुआ मौके से फरार। सुरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी, जो बेटा है जिससे बताया जा रहा है कि चाकू से हमला उसने किया है उसको लेकर क्या कुछ अभी कार्रवाई होनी है, साथ ही पूरा मामला बताइए। जी देखिए सोनल, जिस प्रकार से जयनवशी थाना क्षेत्र के सुदर्शना नगर की एक घटना है जहां पर एक कलयुगी बेटे की करतूत है वो सामने आई है, जहां पर मानसिक रूप से परेशान बताया जा रही है बेटा, जिसने माता पिता और बहन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह से तीनों लोग ये घायल हो गए। इन्हें ट्रॉमा सेंटर जो पहुंचाया गया है जहां पर तीनों की हालत है वो गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद जयनवशी थाना अधिकारी सुरेंद्र प्रचार और उनकी टीम है जो ट्रॉमा सेंटर पहुंची है पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है। ऐसे में जो बेटा लक्षित पंवार है वो मौके से फरार हो गया और वो मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है। हालांकि जिस प्रकार से पुलिस से जानकारी मिली है कि मानसिक परेशानी इस बेटे ने माता पिता और बहन पर जो चाकू से हमला किया, जिसकी वजह से ये तीनों लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल उपचार जारी है। आपका शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी के लिए। तो वहीं देखिए आपको बड़ी अपडेट हम इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर कैसे माता पिता और बहन पर चाकू से हमला किया गया और ये जो लड़का है बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से बीमार है और इसी कारण ये हमला किया गया।